ईद के मौके पर रिलीज हुई बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म राधे डे वन से ही कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी हुई है। केआरके द्वारा फिल्म का आपत्तिजनक रिव्यू देने के कारण सलमान केआरके पर भड़क गए थे, जिसके बाद उन्होंने केआरके पर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज किया था। अब तक तो इस कंट्रोवर्सी में सिर्फ दो ही हस्तियों का नाम शामिल था, लेकिन अब इस विवाद में तीसरे शख्स की एंट्री हुई है। इंडियन सिंगर और टेलीविजन एक्ट्रेस सोफिया हयात ने भी इस मामले में चुटकी ली है। दरअसल हाल ही में सोफिया हयात ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज अपलोड किए थे, जिसके साथ उन्होंने लंबा चौड़ा कैप्शन भी लिखा था कि सलमान खान हर बार एक ही तरीका प्रयोग करके अपनी फिल्म रिलीज करते हैं। उनकी हर फिल्म ईद पर रिलीज होती है, वह धार्मिक त्योहारों का उपयोग पिक्चर के प्रमोशन के लिए करते हैं और इससे पैसा कमाते हैं। सोफिया ने सलमान की फिल्म में काम करने वाली एक्ट्रेसेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि हर बार सलमान वह छोटी उम्र की लड़कियों का उपयोग करते हैं, क्या उन्हें अपनी उम्र के अनुसार अभिनेत्रियों का चयन नहीं करना चाहिए? उन्होंने अपना विकास करने के लिए कुछ नहीं किया है। जब मैं राधे का ट्रेलर देख रही थी तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने पहले ऐसा कुछ भी देखा है, मुझे कुछ नया उसमें नहीं दिखा। उनकी हर फिल्म में ऐसा ही देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, सोफिया हयात आगे लिखती हैं, रणदीप हुड्डा को देखना और भी दर्द भरा था। वह एक अच्छे अभिनेता हैं, उनका अभिनय खराब लेखन के कारण और खराब हुआ है। इसी के साथ सोफिया ने खुलासा किया है कि बिग बॉस सीजन 7 के फिनाले के दौरान वह जानबूझकर सलमान खान के साथ मंच पर नहीं आई थी। इसके पीछे कारण ये है कि उनके जीवन के आदर्श और सत्य उनके आत्मसम्मान से बड़े हैं। फिल्म राधे कंट्रोवर्सी का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में सोफिया के बयान मामले में क्या मोड़ लेकर आएंगे, यह तो वक्त ही बताएगा।